गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हमको कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो मगर फिर भी मैं हम लोगों ने आपके लिए तीन चार प्लेस सेलेक्ट किया हूँ जिससे मैं वहाँ जा कर के वीडियो बनाऊँ। तो गाइस आप सोचिए मत कि हाँ यह हमारी सुबह हुई है, यह हमारी सुबह नहीं, यह हमारी शाम है और हम लगभग 5 बजे हुए हैं। फिर हमने सोचा पहले मंदिर जाएं, मंदिर जाने के बाद मंदिर का व्यू दिखाने के बाद में अब हम लोग जाएंगे। दो माउंटेन व्यू है, माउंटेन ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे, दो है, तीन है, और एक नदी है और नदी का झरना भी है पहाड़ों के बीच में। नदी से बहुत अच्छा सुंदर दृश्य लगता है, वहाँ बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं। और एक और छोटा ऐसे जो पहाड़ों से तीन चार छोटी छोटी मतलब पानी बह करके आता है तीन चार जगह, वहाँ का भी व्यू हम आपको देने वाले हैं। तो गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक देख के कर दीजिए कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना मतलब इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, इतना सुंदरता प्लेस है। वहाँ आप जब एंट्री होते हैं तो चारों में ठंडा ठंडा नज़र आता है और चारों तरफ से मतलब रास्ता तो दिखाई ही नहीं देता, आपके सामने थोड़ा दूर दिखाई देगा, उसके आगे नहीं दिखाई देगा, मतलब चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है और आप बीच में हैं, तो बहुत ठंडा महसूस होता है और थोड़ा उजाला भी कई जगह ऐसे आपको सूर्य का प्रकाश भी कम मिलता है। तो गाइस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट।
गाइस ऐसा नज़ारा तो आपने सोचा ही होगा मेरे ख्याल से। सोचिए कि आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, हरियाली है, और दो ही रास्ता दिखाई दे रहा हो, वो भी एक रास्ता ऐसा जो बंद होता हुआ नज़र आ रहा हो, उसके आगे रास्ता ना हो ऐसा आपको नज़र आ रहा हो, और चारों तरफ खूब ढेर सारी हरियाली हो, जंगल जंगल हो, तब आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ का नज़ारा जो देखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही होता है कि चारों तरफ पहाड़ है और पास में नदी है छोटा सा, और जो हरियाली है जमीन पूरा हरा भरा हुआ है, लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे। तो आप लोग जैसे मतलब इतना सुंदर लगता है कि यहाँ पे कि मन भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने के लिए, दृश्य जो देखने के लिए बहुत सुंदर है। तो आप लोग भी देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। इतनी दूर तक वहाँ से साइकिल चला के आया हूँ मैं, देख लीजिए अभी साइकिल में तो पसीना पसीना हो रहा है मुझे। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस देखिए जो नज़ारा है बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये रास्ता गया हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि रास्ता और कहीं बंद होने वाला है, और सामने बड़ा सा पहाड़ है